फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सूजी के पेड़ों की रेसिपी। इन पेड़ों को बनाने में आज हम ना ही मावे का यूज़ करने वाले हैं, ना ही दूध का और ना ही किसी मिल्क पाउडर का। फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। आपको लगेगा ही नहीं कि हमने इनको सूजी से बना के रेडी करा है। और कितने लोगों की शिकायत होती है कि हमारी मिठाई हलवा जैसी बन गई है, तो उसका सॉल्यूशन भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है और यहाँ पर मैंने घर का देसी घी लिया है। तो जो हमारे घर में नॉर्मल स्टील की चम्मच होती है, उसी से मैं यहाँ पर 3 चम्मच घी का यूज करूंगी। वैसे तो 3 चम्मच घी इसके लिए सफिशियंट है। अगर आपको बाद में कम लगेगा तो आप डाल सकते हैं। हल्का सा इसको गरम करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं बारीक वाली सूजी का। आपने यहाँ पर बारीक सूजी का ही यूज करना है, मोटी वाली सूजी का बिल्कुल यूज नहीं करना है। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो आप उसे एक बार मिक्सी में अच्छे से चला लीजिए, तब वो बारीक हो जाएगी। फिर आप उसको इस मिठाई में यूज करिएगा। तो मैंने सूजी को घी में डाल दिया है और अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पे ही हम इसे रोस्ट करेंगे। यहाँ पर आपने इसको लो फ्लेम पे ही रोस्ट करना है। अगर आप इसे हाई फ्लेम पे करोगे तो ये जल्दी से जलने लगेगी और सूजी के कच्चेपन का आपको टेस्ट आएगा। इस कारण से बहुत से लोगों की शिकायत रहती है कि हमारी जो मिठाई है वो अच्छी नहीं बनी है। तो उसका कारण एक ये भी है कि आप सूजी को बिल्कुल अच्छे तरीके से रोस्ट करिए। अब आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो पहले से सुनहरा हो चुका है, लेकिन जैसा सुनहरा हमको अभी चाहिए हमें वैसा बिल्कुल नहीं मिला है। इसलिए अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए और रोस्ट करेंगे। जब तक इसमें एक गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता है तब तक हम इसे रोस्ट करेंगे। और इस टाइम पे आप देख सकते हैं सूजी ने सुनहरा कलर ले लिया है। तो गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हम साइड रख देते हैं। अब इसके लिए हम फटाफट से चाशनी बना के रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने आधा कप चीनी लिया है। जितनी आप सूजी लें उससे आधी आपने चीनी लेनी है और जितना आप चीनी लें उतना ही हमने पानी लेना है। तो आधा कप मैंने पानी भी ले लिया है। तो पानी को अब हम इसमें डाल देते हैं। और हमने इसकी कोई एक तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, हमें इसे इतना पकाना है कि जो चीनी है वो अच्छे से पिघल जाए। तो एक बार मैंने इसको चला लिया है। अब मैं यहाँ पर फ्लेवर के लिए डाली हूँ केवड़ा वाटर। अगर आपके पास केवड़ा वाटर ना हो तो आपके पास रोज वाटर होगा तो वो डाल लीजिए, नहीं तो इलायची का पाउडर वो डाल सकते हैं आप। अगर इलायची का पाउडर नहीं है तो इलायची को आप यहाँ पर तोड़ के डाल सकते हैं। तो अब इसमें उबाल आने लग गया है और जो चीनी है वो अच्छे से मेल्ट हो गई है। बस 2 मिनट के लिए इसको और पकाऊंगी। ऐसे ही हाई फ्लेम पे हमने इसको पकाना है ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। तो बस इतना ही हमने इसको पकाना है, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं पकाना है, नहीं तो उसमें एक तार आने लगेगा। तो जो रोस्टेड की हुई सूजी हमने साइड रखी थी उसे मैंने गैस पे रख दिया है और जो चाशनी थी उसे मैंने इसमें डाल दिया है। फटाफट से इसको मिक्स करेंगे और गैस की फ्लेम को हम हाई स्पीड में रखेंगे। अब इस चाशनी को डालने के बाद आपने इसको लगातार चलाते रहना है और बड़ी जल्दी ही सूजी चाशनी को सोक करने लगेगी। आप देख सकते हैं लगातार मैं इसको चलाती रह रही हूँ और पहले से इसकी कंसिस्टेंसी अलग हो चुकी है। इसने चाशनी को अच्छे से सोक कर लिया है और इस प्रोसेस को आपने हाई फ्लेम पे ही करना है, लो फ्लेम पे बिल्कुल नहीं करना है। और अब आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। तो इस टाइम पे आपने गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसको ढक के 2 मिनट के लिए रख देना है। 2 मिनट बाद इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे ये ठंडा होता है वैसे वैसे ये थोड़ा सेट होने लग जाता है। तो मैंने 2 मिनट बाद ढक्कन को हटा के इसे मिक्स कर लिया है। एक बार इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ूंगी। उसके बाद मैंने इसको एक प्लेट में निकाल दिया है। आराम से मैं इसको टच कर पा रही हूँ। बस इतना ठंडा करना है, इससे ज्यादा ठंडा बिल्कुल नहीं करना है आपने। अगर आपने इसे ज्यादा ठंडा कर लिया तो पेड़े बनाने में आपको दिक्कत होगी। अब ये जो सूजी है वो सूजी ना लगे इसके लिए मैं यहाँ पर डाल ली हूँ 3 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट, जिसे हम नारियल का बुरादा भी बोलते हैं और इजीली आपको ये मार्केट में मिल जाता है। अगर आपको ये नारियल का बुरादा नहीं मिलता है तो जो गोला आता है आप उसे भी इसमें कद्दूकस करके डाल सकते हैं। और आप चाहें तो यहाँ पर 3 से 4 चम्मच मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। अगर आपको इसमें मावे वाला टेक्सचर चाहिए तो आप इसे मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं, नहीं तो वैसे भी ये बढ़िया ही लगती है। अब हम इसमें से थोड़ा सा मिश्रण लेंगे और हाथों के बीच में ऐसे गोल गोल करेंगे। बेसिकली मैं इसको एक पेड़े वाला शेप दे रही हूँ, जैसा आपको स्क्रीन में दिख रहा है आपने वैसे ही करना है। तो आपका इसमें एक पेड़े वाला शेप आ जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर इसका कोई और शेप भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने आज इसको एक
पेड़े वाला शेप दिया है। मैंने अपने चैनल पे और भी बहुत सारे सूजी की मिठाई की रेसिपीज डाली हुई हैं, आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। सभी को मैंने एक नए तरीके से बनाया है और सभी एकदम बढ़िया बनती हैं। तो उन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने यहाँ पर सारे पेड़े बना के रेडी कर लिए हैं। इनकी गार्निशिंग करने के लिए मैंने इनके ऊपर से आधा कटा हुआ बादाम लगाया है, जिससे इसकी लुकिंग और भी ज्यादा सुंदर आ रही है। आप चाहें तो इसके ऊपर से चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं और अपने मनपसंद तरीके से इसको गार्निश कर सकते हैं। तो ये लीजिए, मैंने सभी के ऊपर से बादाम लगा लिया है, बनके रेडी है हमारे टेस्टी से सूजी के पेड़े। अब आप इसको आराम से 10 से 15 दिनों तक एक एयर टाइट कंटेनर में रख के स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि हमने इनको घी से बना के रेडी करा है, तो ये लॉन्ग टाइम तक ऐसे ही सॉफ्ट रहेंगे। तो मैंने इनको थोड़ी देर फ्रिज में रख दिया था और आप देख सकते हैं इनकी लुकिंग कितनी ज्यादा अच्छी आई हुई है। देखने से ही ये बहुत ज्यादा टेम्पटिंग लग रहे हैं। आपको इसका टेस्ट हलवा जैसा बिल्कुल नहीं आएगा, ये 100% आपको एक मिठाई का टेस्ट देगा। अभी मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ कि अंदर से कितना ज्यादा सॉफ्ट है। तो आप देख सकते हैं बड़े ही इजीली ये टूट जा रहा है, क्योंकि अभी मैंने इसको फ्रिज से निकाला है और ये बहुत ज्यादा ठंडा है, तो इसको तोड़ने में हल्की सी दिक्कत हुई है। कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन आप इसे जब भी फ्रिज में स्टोर करके रखें, खाने से एक घंटा पहले आप इसे निकाल के रख दीजिए, उसके बाद आप इसे आराम से इंजॉय करें। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करें ताकि जब भी नई वीडियोस आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और ज्यादा चीजें अगर आपको इसके बारे में जाननी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।